हाय फ्रेंड्स, मैं माधव यादव श्रीराम टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ समय काम मजदूरी का पार्ट 3, जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो, एक काम को 6 दिन में तथा बी उसे 9 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? शुरुआत करते हैं एक नॉर्मल से छोटे से क्वेश्चन के साथ में। बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 3-4 हम कर चुके हैं। ये है, एक किसी काम को कितने दिन में? 6 दिन में। और भी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? 9 दिन में। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले कुल काम मानेंगे और कुल काम इन सारों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना निकल के आ गया? 18। 6 का भाग देंगे इसमें, कितनी बार गए यहाँ पे? इकाई काम निकालेंगे यहाँ से, तो इसका इकाई काम कितना निकल के आ गया? 3। और इसका इकाई काम कितना निकल के आ गया? 2। तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई टोटल काम है ये, कुल काम है और ये इनका इकाई काम है, मतलब इनको पूरा 18 काम करना है। 18 काम को पूरा करना है। ये एक दिन में 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, तो एक दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा? 5 काम एक दिन में करते, तो 18 काम को करने में इन्हें कितना टाइम लगेगा? तो 18/5 यहां से निकल के आ गया, 3.6। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। एक काम को 15 दिन में बी उसे 20 दिन में कर सकता है। 4 दिन तक एक साथ काम करते, तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है? भाई देखो, थोड़ा सा लैंग्वेज का ही चेंज है और कुछ भी नहीं है। एक काम को 15 दिन में, भाई एक की तरफ यदि हम चलते हैं, तो एक किसी काम को 15 दिन में पूरा करने का वादा करता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करने का वादा करता है। मैंने एक ही बात कही है कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर यदि हम जाएंगे, तो सबसे पहले कुल काम पे जाएंगे और कुल काम जो निकल के आ गया टोटल, वो कितना निकल के आ गया यहाँ से? 60 काम। अबे 60 काम यहां से निकल के आ गया, तो सबसे पहले एक दिन का काम निकालो, तो ये एक दिन में 4 काम करेगा और ये कितना काम करेगा यहाँ से? भी 3 काम करेगा। अब ये कह रहा है 4 दिनों तक तो 7 काम किया। भाई ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लोग एक काम कर लिया करो, जितने भी दिन काम हो गया, कितने दिन 7 काम किए इन्होंने? 4 दिन तक। एक दिन में कितना काम हो रहा है इनका? 4 और 3 7 काम। तो 4 दिन में टोटल कितना काम कर लेंगे ये? यहां से 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28 काम ये कर चुके हैं। टोटल काम कितना है आपका? 60 है, उसमें से 28 काम इन्होंने 4 दिन में कर दिया, तो शेष काम कितना रह गया अपना? यहां से घटा दो 28 को, तो शेष काम जो मेरा बच गया वो कितना बच गया यहां से? 32 काम बच गया। अभी 32, तो ये क्या पूछ रहा है? ये नहीं कह रहा किससे करवाए गए, तो केवल हिस्सा ही पूछ रहा है कि कितना हिस्सा बचा हुआ है। भाई 32 काम बचा हुआ है और कितने में से बचा हुआ है? 60 में से। कितना हिस्सा हो जाएगा यहां से? 4 के टेबल से कटेगा ये 8 बार और ये 15 बार, 8/15 ए ऑप्शन आ गया इसका। तो इस प्रश्नावली में सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से होने वाले हैं, बस लास्ट में थोड़ी लैंग्वेज चेंज करेगा। और ज्यादा इसमें यदि एक टाइप इसका समझ में आ गया ना, बेस अच्छा हो गया, तो उस बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे कितनी लैंग्वेज चेंज कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में, तो तभी उसी जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में जोतता है। ए और बी एक साथ काम करें, तो 4/भाग काम कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई ऐसे काम के लिए एक सीधा मेथड बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले इससे एक का हिस्सा पता लगाओ कि एक काम पूरा कितने दिन में पूरा करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो भी दिन दे रखे, इसे यहां गुणा कर दो, यहां से इसको काटा 3 बार, तो ये कितना होगा? 1/15। एक किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। इसी प्रकार बी का हिस्सा भी निकाल लो। और भाई इस फ्रैक्शन में सबसे बढ़िया मेथड यही है, यहां पे इसको 10 से गुणा कर दो तो इसका हो गया 30। तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 30 दिन में। भाई कुल काम पे जाएंगे यहां पे, सबसे पहले कुल काम हो गया यहां पे 30 ही हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं? इसका इकाई काम निकालो, तो ये 2 काम और ये 1 काम।
तो एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं ये, तीन काम। अब क्या कह रहे हैं, ए और बी एक साथ मिलकर 4/5 भाग जमीन को, ये जो टोटल काम 30 है ना, इसका मुझे कितना निकालना है, 4/5 काम ही करवाना है इनसे। एक दिन में कितना काम करते हैं ये, तीन। 21 समता यहां से कितने निकल के आ गए, इसको काटा ये 10 और ये यहां से 2, बराबर पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिन में। 4/5 जो आपका काम ये करवाना चाहता है, 4/5 काम ये पूरा कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिन में। यहां पे ध्यान दो, टोटल काम 30 था, लेकिन आपको 30 को नहीं करवाना, इनको इनके केवल 4/5 ही काम करवाना, तो इस वजह से मैंने 4/5 काम इससे निकाल लिया। और वही एक दिन में तीन काम करते हैं, तो इस पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा, वो तीन का क्या दे देंगे, भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा खत्म करेंगे। अब बेटा इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके अंदर ए इतने में, बी इतने में, या दो दो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दो दो को साथ ले लो आप लोग। तो यहां से ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 12 में। बी प्लस सी ये दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, बी और सी से कर रहे हैं 15 में, और ए और सी ये इस काम को कर रहे हैं 20 दिन में। अब चलते हैं कुल काम पे। भाई कुल काम के लिए इन सारों काम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। यहां से कुल काम निकल के आ गया 60। इकाई काम निकालेंगे, इकाई काम इसका तो कितना निकल के आ गया, 5, 4 और यहां पे 3। अब देखो बेटा ये क्या कर रहा है, ए बी और सी तीनों मिलके, भाई तीनों ए बी और सी, तो यहां से इस क्वेश्चन के अंदर देखो, जब हम यहां से इनको जोड़ेंगे तो ए और ए 2 ए हो जाएगा यहां से। इसी प्रकार इसमें ये विशेष तौर से ध्यान रखना, बी और बी यहां पे कितने हो जाते हैं, 2 बी, और सी एक जगह कितने हो जाएंगे, 2 सी, और इनका जो टोटल काम है वो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 10 11 12। 2 इसमें से बाहर ले लिया, अंदर बच गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। यहां से काम आपको एबीसी से करवाना है, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम। भाई पूरा काम कितना पड़ा है आपके पास में, 60 है। एक दिन में 6 काम करते हो, 60 को करने में क्या 10 दिन लगाओगे क्या आप लोग, ये रहा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, अच्छा क्वेश्चन नहीं ये, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में। अभी क्या कर रहे हैं, ए अकेला, भाई आप इस ए अकेले से काम करवाओगे तो ए अकेला इसे कितने दिन में पूरा कर देगा, 30 दिन में। भाई यहां से कुल काम निकालेंगे सबसे पहले, अपना तो एक ही मेथड है, और कुल काम कितना होगा यहां पे, 30। यहां पे कुल, यहां से एक दिन का काम निकालेंगे 3 और यहां पे 1। अब भाई काम किससे करवाना है मुझे, भाई काम करवाना है बी से, तो बी का एक दिन का काम निकालूंगा, तो यहां तो ए और बी का 2 दिन का दोनों का काम है, और यहां ए का अकेले का है, तो बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम कैसे निकालूंगे, दोनों के एक दिन के काम में से इसके एक के काम को घटाएंगे तो 2 दिन आ जाएगा। ये एक दिन में 2 काम करता है, 30 काम को करने में कितना टाइम लेगा, 30/2 बराबर कितना दिन हो गया, 15 दिन। सी ऑप्शन करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिन में करने का कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये में एक कार्य को करने का ठेका लिया, कुल राशि में एक का हिस्सा बताओ। भाई याद रखना, जब भी पैसे जो बटेंगे वो हमेशा काम के आधार पे बटेंगे। तो यहां से देखो ए, दूसरा है बी। ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है भाई? 15 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 10 दिन में। सबसे पहले जाएंगे हम कुल काम पे। कुल काम जो निकल के आ गया, टोटल काम, वो कितना निकल के आ गया यहां से? 30। यहां से एक एक दिन का काम निकालेंगे हम, तो यहां पे 2 और यहां पे 3। अब ये जो पैसे बटेंगे इनके काम के आधार पे, भाई एक को 2 काम के पैसे मिलेंगे एक दिन में और बी को एक दिन में 3 काम के पैसे मिलेंगे। तो यहां से ए अनुपात बी 2:3 और कुल पैसे कितने दे रखा है आप लोगों को? 30,000। भाग देंगे कितने का? 3 और 2 5 यानी 6। इसको मिलेंगे 18,000, इसको मिलेंगे 12,000। किसका हिस्सा पूछा? एक का, एक को 12,000 रुपए। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए रुपए 800 रुपए मिले। एक पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से दुगनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाएगा? ठीक हो, ठीक क्वेश्चन है। देखो, एक पुरुष तथा एक लड़के को बेटा 5 दिन के कितने पैसे मिलते हैं इनको? 800 रुपए। तो पुरुष की कार्य क्षमता, ये मैन हो गया और ये बॉयस हो गया। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से दुगनी है काम। पुरुष की कार्य क्षमता, भाई पुरुष एक काम करेगा, ये लड़का एक काम करेगा, तो पुरुष 2 काम करेगा, क्योंकि पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से क्या है? दुगनी है। और अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि पैसे जो बटेंगे किसके आधार पे बटेंगे? काम के आधार पे। तो यहां पे कुल जो पैसे दे रखा है वो कितने दे रखा है? 800 रुपए। भाई इसको यहां 2 टाइप से कर सकते हैं। ये 5 दिन के पैसे हैं, ये क्या कह रहा है? लड़के को प्रतिदिन के कितने रुपए मिलेंगे, तो इनके एक दिन के पैसे भी हम निकाल सकते हैं। तो एक एक दिन के रुपए निकालने के लिए 800 में हम कितने का भाग देंगे? 5 का। एक 160 रुपए मिले। अब इसमें से लड़के के 3 और 2 कितना होगा? 2 और 1 कितना होगा? यहां से 3 हो गया। तो यहां से 160/3 पता किसका लगाना है अपने को? पता लगाना है अपने को, जैसे मान लो लड़के का, लड़के का कितना यहाँ पे? 1 है, 1 से गुणा करेंगे लड़के के लिए, इंटू 1 कितना होगा? यहाँ पे 3 का भाग देंगे, 5 3 1/3। भाई देखो, इनकी कार्य क्षमता 1:2 आई है, ये काम आया है। इनको 5 दिन तक कितने रुपए मिलते हैं? 800 रुपए। तो एक दिन में कितने रुपए मिलेंगे इनको? 160 रुपए तो मिले, 5 दिन में 800 मिल रहे, तो एक दिन में 160। 160 रुपए में लड़के का हिस्सा कितना और ये पुरुष का हिस्सा कितना है? तो अनुपातों का योग 2 और 1 कितना हो रहा है? 3 का भाग दे दिया, लड़के का अनुपात 1 है, 1 से गुणा कर दिया पार्टनरशिप टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ऐसा क्वेश्चन अभी पहले भी किए थे। आगे देखो, यहां से ए और बी, ए प्लस बी
ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 12 दिन में। बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में। और ए प्लस सी, ए और सी से आप काम करवाते हो तो वो कितने दिन में करके देंगे? 6 दिन में। भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक ही बात बताई, सबसे पहले आ जाया करो कुल काम पे, कुल। तो इस क्योंकि एलसीएम 24 से काम हो जाएगा अपना। अब यहां से इसका एक दिन का कितना काम आ गया, यहां से 12 कम 12, 12 दूना 24, 8 दिया 24, 6 चौका 24। तो इसी प्रकार से भी पीछे भी हमने किया था, दो को बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। जो बच्चे पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे ध्यान दो, ए और ए दो ए, बी और बी दो बी, सी और सी दो सी। अब इसमें से मैंने किसको बाहर ले लिया, दो को। बराबर इनका एक दिन का जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4 और 3 7 और 2 कितना हो रहा है, 9। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी इनका एक दिन का काम कितना हो रहा है, 9/2 बराबर कितना होगा, 4.5। अब आपको काम किससे करवाना है, जिस बंदे से काम करवाना है सबसे पहले उसका एक दिन का काम निकालो कि वो एक दिन में कितना काम करेगा। भाई आप लोग जा रहे हो बी के पास में कि भाई बी तू कितने दिन में कर देगा। अब ये पता है कि ए बी और सी तीनों जो मिलके है ना वो एक दिन में कितना काम करते हैं, 4.5। आपको काम करवाना है बी से तो आप ए और सी का काम घटा दो, ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम। तो सी का एक दिन, बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम भाई वो कैसे निकल के आएगा, 4.5 में से इसको 4 को घटाया तो भाई 0.5 रह गया क्या। तो यहां से अब बी कितने दिन में पूरा करेगा, 24 काम है, एक दिन में आधा काम ही करता है 0.5, तो कितना 48 दिन लग जाएंगे क्या, 0.8 आएंगे ऊपर जाएगा, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, देखो इस क्वेश्चन को, एक किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में पूरा करता है। भाई ऐसे क्वेश्चन को मैंने पहले बताया था, ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, उसके लिए मैंने बताया था जो भी दिन दे रखा उसे गुणा कर देना 1/5, यानी ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 25 दिन में। 25 कहां से आगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा ना। आगे चलो, अब इधर देखो बेटा, यदि आप काम ए से ही करवाते तो ए शेष काम ए अकेले से करवाते तो ए शेष काम कितने दिन में पूरा करता, 5 दिन में। भाई कैसे 25 दिन में अकेला कर सकता था, 20 दिन करके चला गया तो 5 ही दिन में और काम कर देता, लेकिन उसने क्या किया, ये 5 दिन का जो काम है ना इसके लिए उसने बी को बुला लिया, और ए प्लस बी ने है ना, ए प्लस बी ने वो शेष काम है ना वो कितने दिन में पूरा किया है, 3 दिन में पूरा किया है। अब भाई 3 दिन में पूरा किया तो यहां से इसका पूरे काम क्या ले लेंगे, एलसीएम कितना निकल के आ गया, 15। 15 में 5 का भाग देंगे, ये 3 और यहां पे ये 5। देखो बेटा अब यहां से देखना, आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि कुल काम कितना था। इसके लिए पहले सबसे पहले ए और बी की कार्य क्षमता, तो ए अनुपात बी, और इसकी क्या निकालनी है, कार्य क्षमता। अब वो कार्य क्षमता यहां से देखना एक बार, बिल्कुल निकली हुई है ए, ए की कार्य क्षमता तो 3 आ गई, और बी की टोटल 3 और 2, ये इनके टोटल ए और बी की 5, 5 में से 3 गई तो कितनी आ गई, 2। अब देखो कुल काम निकालना है अपने को, कुल काम बेसिक में मैंने बताया था कि जिसके भी दिन दे रखे हैं, ए अकेला किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये 25 दिन में, और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो कुल काम कितना हो जाएगा, 3 इंटू
25 बराबर 75 काम हो गए ना, ये 75 काम अब मुझे 20 से करवाना, तो क्या हो जाएगा 75/2, क्योंकि एक दिन में दो काम करता, आंसर कितना आ गया यहां से 37 सही, 1/2 है ऑप्शन, उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 24 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, वे 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं तीनों। भाई देखो कैसे होगा, सबसे पहले ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में, 30 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में, 24 दिन में, और ए प्लस सी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं यहां से, 20 में। भाई सबसे पहले इनका कुल काम निकाल लेंगे हम लोग, टोटल काम कितना है, एलसीएम लेंगे, कुल काम कितना निकल के आ गया, 120 आ गया, इसमें से इनके एक एक दिन का काम निकाल लेंगे, ये 4, ये 5 और ये 6। अब यहां से ए प्लस बी प्लस सी का काम इन सारों को जोड़ेंगे, 6 और 4 10 और 5 15/2 हो गए क्या, अब ये क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने 10 दिन तक साथ काम किया, कितने दिन तक साथ काम किया, 10 दिन तक। भाई इधर देखो, एक दिन में 15/2 काम करते तो 10 दिन का काम, ये तीनों का ये ना का काम, भाई 10 से गुणा कर दो, ये तो एक दिन का काम है, ये लो 10, 15 × 5 75 काम। भाई टोटल 120 काम था, उसमें से 75 काम तो अपना हो चुका, तो 45 शेष काम रह गया, नो। तो वे अब किससे काम करवाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे काम करवाना चाहते हैं ना, तो ऐसे काम करवाना चाहते हैं, तो देखो एक बार, एक का जो काम है यहां से सबसे पहले तीनों का, तीनों एक दिन में कितना 7.5 काम करते हैं ना, तो बी और सी का गठा, तो बी और सी कितना काम करते हैं, 5, इसमें से 5 को माइनस कर दो, किसका काम आ जाएगा, एक का, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2.5। भाई पूरा काम कितना करवाना है उससे आप लोगों को, यहां से 4.5, तो 45/25 गुणा डेसिमल हटाते हैं 10, ये 5 से काटा मैंने, ये 9 बार 5 बार, ये 2 बार, 9 × 2 = 18 दिन में पूरा काम करेगा वो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो धीरे धीरे बेसिक से चालू किए थे, धीरे धीरे अपन एक स्टेप बाय स्टेप लेवल तक बढ़ते चलेंगे, और इसमें मैं आपको 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, एक काम के 1/3 भाग को 5 दिन में, बी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में खत्म है करेंगे, ये तो बिल्कुल ऐसे मौखिक टाइप में कर लो इसको, 3 और 5 कितना होगा, ए अकेला किसी काम को कितने, 15 दिन में, और बी अकेला यहां 10 से गुणा कर दो, 2 से काटूंगा 5 बार, तो 5 और 5 कितना होगा, यहां से 25 हो गया, तो ए किसी काम को करता है 15 में, और बी उसी काम को कितने में करता है, यहां से 25 में। भाई टोटल काम के ऊपर जाऊंगा, कुल काम यहां से कितना निकल के आ गया, 75 हो गया, 15 से यहां से भाग दूंगा, ये इसका काम एक दिन का कितना काम निकल के आ गया, यहां से 5 और इसका 3, एक दिन में टोटल कितना हो गया, 75/8 काम को, क्योंकि एक दिन में 8 काम हो रहा है। अब इधर देखो, ऑप्शन में देखो, एक ही में नीचे 8 दिख रहा है केवल, ये करके आ जाओ, क्योंकि जिससे डिवाइड करेंगे पूरा पूरा तो जा नहीं रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं, बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। भाई अब इधर देखो, ये यहां से अब शुरुआत हो गई अपनी, ये एम, ये आवर्स, और ये क्या हो गया यहाँ पे डी। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में आएंगे तो ये एम, ये यहाँ पे क्या हो गए यहाँ पे आवर्स, और यहाँ पे डी इसमें दे नहीं रखा, एक्स मान लिया, तो एम भी एक ही है, एक इंटू आवर्स कितने उसमें 5 इंटू कितने दिन में 8 दिन में समाप्त करते हैं, क्योंकि ये तो बताया था एम इंटू डी इंटू एच बराबर एम इंटू डी इंटू एच। दूसरी कंडीशन में एम वही एक ही बंदा है, यहाँ पे 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे। अब बेटा यहां से देखो, इसको यदि हम काटते हैं तो ये कट गए यहां से 2 बार और ये 4, 2 से ये 3 कितना हो गया 5 चौक 20/3 बराबर 6.6 के लमसम आएगा, इसमें थोड़ी मिस प्रिंट हो गई, भी 6 घंटे प्रतिदिन काम करता हो तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों ने काम खत्म करने के लिए 2 स्त्री, यदि 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी। देखो भाई यहां से क्या कह रहा है, एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को यहां से 20, 30 और 60 में पूरा कर सकते हैं। पहले स्त्री पुरुष इनका, इसको मैंने M मान लिया, यानी एक M पुरुष को, उसके 20 दिन का जो काम है ना वो बराबर है, इधर से स्त्री वुमेन, वुमेन का कितने दिन का 30 दिन का बराबर है, यहां से लड़का चाइल्ड मान लिया मैंने, इनटू कितने दिन का 60 का। अब देखो बेटे यहां से ये क्या कह रहे हैं, यहां से इनकी मैं कार्य क्षमता निकालता हूं यहां से, तो यहां से बताया था बराबर के चिन्ह में इनका एलसीएम रख देंगे, एलसीएम कितना आ गया यहां से 6 आ गया, तो यहां से ये तो हो गया 3, इसका कितना होगा यहां से 2 और इसका 1। भाई एम अनुपात डब्लू अनुपात सी, ये कितना हो जाएगा यहां से 3:2:1। अब देखो क्या कह रही है, ये क्या कह रहे हैं, 2 दिनों में भाई काम मेरा 2 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए, उसमें 2 तो पुरुष, तो दिन भी 2 है, सबसे पहले पुरुषों की तरफ चलते हैं भाई, तो एक पुरुष का 2 दिन का काम निकाल लो, ठीक है, तो यहां से दो इंटू यहां पे एक पुरुष है उसके 2 दिन का जो काम है, ठीक है, 2 पुरुष भी 2 और 1 दिन का काम 3 है, 3 × 6 = 12 ये काम ये एक लोग कर लेंगे। अब चलते हैं स्त्रियों की तरफ, भाई 2 स्त्री है 2 और यहां पे भी 2 × 4 = 8 टोटल कितना काम होगा यहां से 20 काम। भाई ध्यान देना, अब यहां से 8 स्त्रियां थी यहां पे 2 की जगह, आठ इंटू 2 ×
दो, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। बट टोटल कितना होगा यहाँ पे, यहाँ से 44। तो शेष, अब शेष काम, टोटल काम कितना भाई इसका, पूरे का दिन यहां से एलसीएम लेते तो 60 काम ही तो आता, ठीक है। वहां पे मैंने उनकी इफिशियंसी निकाल दी, 60 में से वहां से कितना काम हो गया मेरा, 44। बच कितना गया, 16। अब 16 को 2 दिन में खत्म करवाने के लिए कितने कैंडिडेटों की जरूरत होगी, 8 की, ए ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलो, ए बी और सी को किसी कार्य को 575 रुपए में करने के लिए काम पे रखा जाता है। ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा करते हैं, तो बी को कितने रुपए की राशि अनुदान होगी। भाई ध्यान दो देखो एक बार, यहां से ए बी और सी, इसमें ये यहां पे जो दे रखा है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी का काम है। अब उसमें से ए प्लस सी का जो हिस्सा है वो 19 है, तो कौन बच गया, बी बच गया ना भाई। बी का जो हिस्सा निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 23 में से 19, क्योंकि टोटल 23 है यहाँ पे, 23 में से 19 को घटाया तो कितना आ गया यहाँ पे, 4। अब वहां से टोटल पैसे कितना दे रखा है यहाँ पे, 575। तो 575 में यहां से मैं कितने का भाग दूंगा, 23 का, 23 का भाग दूंगा तो ये कट जाएगा पूरा 25 बार। किसका हिस्सा पूछा है, सी का, ये रहा 4 × 25, भाई कितने रुपए निकल के आ गए, 100 रुपए। बी, नेक्स्ट पे चलो, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है तथा मजदूरों की तथा मजदूरों के मजदूरी में 22 और 25 के अनुपात में वृद्धि होती है, तो मजदूरों की कुल मजदूरी पे किस अनुपात में कमी आएगी। कुछ भी नहीं, इसको तो सीधा मल्टीप्लाई कर देना, पहले से पहले को लास्ट से लास्ट में सीधा ही आंसर आ जाएगा इसका, करना आप लोग। चलो नेक्स्ट पे, किसी काम, एक किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों ने 5 दिन तक 7 काम करते हैं, अब शेष काम कितना रह जाएगा। सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करवाया था, आप खुद करोगे इस क्वेश्चन को, शेष काम वाला, इससे वाला। नेक्स्ट